और तुम पर देख कर ऊपर निगाह भर कर कोमोडो ड्रैगन का टूटा पार्ट ये देख रहा खुशी ओ भैया भाई फूडी तो हम हैं थे और रहेंगे तो खाना फिर क्यों बकवास कर रहा है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेटा फिर एक बार आपके सामने आते हुए नए व्लॉग के साथ में। सो भाई आप लोगों ने हमारे ट्रिप वाले व्लॉग एंजॉय करे हरिद्वार के और सावन के महीने में आपको देख रहे हो हरिद्वार के दर्शन करा दिए बढ़िया। तो होप करता हूँ भाई आप सबको बढ़िया लगे हों। अगर बढ़िया लगे हों तो भाई कमेंट वमेंट कर दिया करो, अपना लाइक वाइक करते रहे करो। चीज़ आपको व्लॉग में अच्छी लगती है तो उसे कमेंट के थ्रू बताते रहा करो भाई। आज के दिन की शुरुआत करेंगे अपना जिम चल के फिलहाल अभी, और आज का जो व्लॉग होगा अपना पूरा डेली रूटीन का व्लॉग होगा। तो जो जो चीज़ें आज के दिन में होंगी वो आपको दिखाते रहेंगे भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिलहाल अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना घर से निकलते हैं और सीधा चलते हैं जिम के लिए। हाँ जी गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डेढ़ा जी, क्या हाल है आपके? वाह भैया बढ़िया, तुम बताओ। बस जी बस जी रहे आपकी छाया में। साइकिलिंग चल रही है? साइकिलिंग धुआं उठाना है। अच्छा जी तरीके का इस बार गोली से धुआं उठवाना है। आप बैठे जल्दी जी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे सब बंद में जल्दी, एक उसकी अलग से सीरीज बनेगी। बिल्कुल 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 ट्रांसफॉर्मेशन की पूरे यहाँ से यहाँ दिखाएंगे आपको। तो सुन ली भाई तुमने, अब सोच लो कितने बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है जल्दी ही तुम्हें बहुत बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगी, वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपको टिप्स मिलेंगी, सजेशन मिलेंगे और डूज मिलेंगी और नॉट टू डूज मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरा प्रॉपर एक उसका पैकेज आएगा अलग से। ये देख लो भाई, अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पवन भाई ने आपको सारी चीज़ें बता दी और बहुत जल्द ये ब्लॉग आएगा आपके बीच में। फिलहाल अभी अपना वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आपको बीच से मिलते रहेंगे, अगर कुछ भी एक्सरसाइज अगर अपनी अच्छी लगी तो वो आपको दिखाते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें ना आपके साथ भोले बाबा की कृपा रही ना तो बहुत जल्दी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और वो जितने भी बिगनर्स हैं उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं तो एक बिगनर हूँ जिम के मामले में। चलो लेकिन आज सावन का पहला सोमवार, सबको हर हर महादेव। जिम से आने के बाद नहा धो के एकदम फुल रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं सीधा मंदिर के लिए। पहले भाई चलते हैं मंदिर और मंदिर चल के आप इधर भोले बाबा को नहला के आते हैं, तो चलो आप भी चल दो साथ में, आपको भी दर्शन करा देंगे सावन के महीने में भोले बाबा के। खुशी किस बात की हो रही है भाई? कल ऑनलाइन क्लास है। फिर मतलब मूवी देखने का वो हो रहा है, ये नहीं थी कल का एग्जाम था तो कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया होने तो मेरे तो मत जाना। अच्छा इस बार ये वाला व्लॉग ना आपकी मैम को भेज दूंगा, ठीक है? ये देख लो भाई बारिश की वजह से इनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आज भी हो गई और कल भी है, तो इस बात की खुशी मनाई जा रही है। ये देख रहे खुशी ओ भैया। लो जी भाई अपना पूरे दिन के इंतजार के बाद अपना आ चुका है बर्थ का खाना, तो अपना बर्थ का खाना खाएंगे। आए हैं अपने चाय और पराठे, ये देख लो जी, और बाकी खाएंगे बाहर। सो भाई ये लगा लो पूरा दिन निकल गया और व्लॉग अपना ना आज शूट ही नहीं हो पाया पूरे दिन में, बिजी इतना हो गया ना भाई कि यार बस क्या होता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी बस वो मैं कैप्चर नहीं कर सकता था व्लॉग में अपने में, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिलहाल अभी घर में मन नहीं लग रहा था, मैंने पवन भाई को फ़ोन करा, मैंने भाई आ जाओ जरा साथ में, तो पवन भाई ने कहा कि भाई तुम बुलाओ मैं ना आऊँ, है भाई? भाई हमारे गोली भाई बुलाए और हम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई पवन भाई को बुलाया मैंने, हमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ की प्लानिंग कर ली चलने की, चलो आज घूम के आते हैं, लेकिन ये बरसाती मौसम देख भाई अभी ना ऐसा था कि हमारा ना प्लान हो रहा था खोली जाने का, मैंने कहा भाई यार मैं दोनों चलते हैं अभी, पर वही है ना भाई थोड़ा अभी बरसात जो हो रखी है तो घर वाले कहने लगे रात में रात जाओगे, पौनी वोनी भर रहा होगा सब्जी का, ऐसा दिक्कत हो रही है ये हो रही है। लेकिन ना एक बात है, घर वालों का कहना भी ना बिल्कुल सही है भाई, रोड पे जाके निकल रहे हैं ना इतने बड़े बड़े गड्ढे, सडनली गाड़ी चलाते समय आ जा रहे हैं। अभी मेरे घर के बगल में एक रहते हैं, उन
इस बाइक से जा रहे थे और ये अपने इधर ही घर के पास एक बड़ा सा गड्ढा आया, सडनली गड्ढे में देखे स्कूटी और पूरा यहाँ इस वाले रोड पे, इस वाले रोड नंबर फर्नीचर की दुकान है जो कुछ ज्यादा ही है भाई, पूरा छिल गया। फिर अभी एक वायरल आपने भी देखा होगा, वीडियो वायरल हो रही है दिल्ली में, एक बहुत बड़ा जनकपुरी के शायद आसपास है शायद वो, अरे काफी जगह हो गए यार ये, बहुत बड़ा गड्ढा है एकदम जिसमें कुछ भी हादसा हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है कुछ भी हो सकता है हादसा, तो इसीलिए घर वालों का कहना भी बिल्कुल सही है कि निकलो मत निकलो बरसात के टाइम पे। और भाई मनाली वगैरह साइड तो भाई भूल के मत जाना, अगर किसी को ना पता हो तो मैं बताता हूँ भाई, बहुत ही बुरी बाढ़ वाड़ आई है वहाँ पे, फंसने की बात ना मजाक तट के। मैं ये सोच गया मनाली के इस टाइम आप किसी भी पहाड़ी हिल एरिया में आप कहीं भी मत जाओ, पहाड़ के पहाड़ खिसक रहे हैं एकदम, पानी के साथ पता भी नहीं चलेगा। पता मणिकरण में जो पुल बना हुआ था ना उसको भाई मैंने अभी उधर जब हम गए थे लास्ट टाइम वहाँ पे वीडियो वगैरह सब कुछ बनाई थी, वहाँ मतलब वो नॉर्मल ट्रैक है लोगों का आने जाने का, पूरा टूट गया वो। अच्छा जी, अभी जम्मू कश्मीर का भी तो एक दिखा रहे थे, वो एकदम से सडनली नीचे निकल गया पूरा पूरा फ्लाईओवर ही नीचे हो गया वो। अरे भाई काफी जगह हो रही है ऐसी आपदा, बहुत जगह हुई है भाई अभी, और मनाली में तो बहुत बुरा हाल है। प्रतीक उधर बता रहा था, गया था उसी फ्लाईओवर से, बोल रहा था भाई वो मेरे को पहले ही लग रहा था उसका काम हो जाना है और उन्होंने हो ही गया उसका, प्रतीक बता रहा था उसी फ्लाईओवर। अरे भाई मतलब बहुत बुरा हाल है उधर तो मनाली में तो, इस टाइम बहुत बुरा रोड पे, और एक जगह तो भाई जो हम हाईवे जिसपे चल के नहीं आया अभी, हाँ जिसको हमने भी इस वाले उसमें व्लॉग में एक्सप्लोर करता लास्ट वाले व्लॉग में, हाँ, उधर हाँ उस वाले हाईवे पे ना पूरा वो हाईवे जो पूरा टूट गया, कोने पे गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई थी सब बह गई भाई पानी में, तो इतना तगड़ा बाढ़ का वो शॉर्ट। भैया यही है कि आप हिल एरियाज में तो बरसात के टाइम पे जाओ मत, इस साल नहीं हर सीजन में बरसात के टाइम पे आप जाओ, अवॉइड ही करो जाना, कुछ भी हादसा हो सकता है उधर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो हमारे भी बहुत सारे ट्रिप रुक गए हैं उसी चक्कर में, वरना हम भी जाने हम भी जाने के प्लानिंग कर रहे थे। हाँ तो पर ये है कि चलो उधर तो नहीं जाएंगे, पर हाँ बहुत जल्दी आपके लिए बहुत जबरदस्त वाला व्लॉग आएगा, उसमें अपने साथ पूरी टीम होगी और हमारे पूरे गाँव के लोग होंगे, मतलब मजा आ जाएगा कुल मिला के आपको व्लॉग में उसमें, बट जब आएगा तभी पता चलेगा किस चीज का व्लॉग किस चीज का नहीं। फिलहाल अभी हम दोनों निकल चुके घर से, तो भाई कुछ क्या खिला रहा हो बताओ, ये बताओ पहले तो मेरे को, घर से कुछ खा के आए हो? अरे घर से तो पूछो मत, घर से देखो मैंने घर से ना दाल खाई, रोटी खाई, ओ लपेट दिया, उससे पहले मैंने खीरे की पूरी प्लेट खाई, उससे एक घंटे पहले मैंने पाइनएप्पल प्लेट प्लेट में पाइनएप्पल भर के खाया भाई, सुन रहे खीरे की प्लेट पाइनएप्पल, समझ रहे हो बात को, गुप्ता चल रहा है डाइटिंग पे अकेडमी पे, ये देख लो पेट देख रहे हो कतई, ओ भैया है ना छाती अंदर, हाँ छाती अंदर ना छाती बाहर पेट अंदर तो भैया गुप्ता चल रहा है डाइट पे, कभी ये खीरा लपेट रहे कभी भैया पाइन एप्पल लपेट रहे, फुल एकदम ड्रामा चल रहा है इनको, हमारे गोली भाई हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अरे कहा भाई ये बताओ, दो दिन की जिंदगी वहां में सारा खीरा पे देंगे, अपना लपेटो चाउमिन खाओ पिज्जा बर्गर रगड़म तगड़म जो तारजी करे नान वान वो लपेटो, चलो जाए रमेश साहब चले चलने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने में कोई दिक्कत खाऊंगा नहीं है, दिक्कत खाने में, चलो भाई कोई नहीं। तो फिलहाल अभी नोएडा चल रहे हैं, देखते हैं क्या खाते क्या नहीं, आपको अगर जो भी खाएंगे आपको पता चल ही जाएगा। भाई घर से निकल के हम नोएडा में आ गए इधर मैकडी पर, भाई का मन हो रहा था मैकडी पे कुछ खाना वाने का, मैंने कहा चलो मैकडी चलते हैं भाई कुछ खा पी लेंगे, बर्गर वर्गर कॉफी वॉफी पी पा के अपना फिर स्टार्ट करा देंगे, तो अपना सेक्टर 16 में पड़ता है इधर मैकडोनल्ड, ये यहाँ आ गए अब अंदर चलते कुछ खा कुछ खाते पीते चले, चलो घर पूछ रहेगा घर पूछ रहा है क्या कैडी ड्यूटी है ये कुछ खाना है क्या भाई, हर एक शादी शुदा इंसान ये चीज समझ सकता है, जो भी शादी शुदा होगा ना वो इस चीज को देख के समझ जाएगा। घर के निकलने का लाइसेंस है, चलते कुछ ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, पोल पट्टी तो घर पे आके खुली जाती है यार, ये बंदा कुछ खा के आया जरूर, ये बात सही कह रहा है, नहीं मैं तो नहीं खा के आया सच बताओ, मतलब दुनिया इतनी आलकसनी हो रही है ऑर्डर लेने के ना बहाने, नहीं ये देख लो इस पे, नहीं ये मालूम है क्या सारा काम
इंडिपेंडेंट लेबर वर्क कम करवा रहे हैं, लेबर कम लगेगी ना उनकी। कुल मिलाकर आदमी घटा रहे ताकि सैलरी वैलरी नहीं देनी पड़े हैं। क्या खाओगे? देख लो भैया कुछ भी जो तुम्हें ठीक लगे। हमारा तो फेवरेट वही है, बटर पनीर ग्रिल, यही है ना? यही ले लो, चलो इसे ही खा लेंगे हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हो गया ऑर्डर? अरे ऑर्डर हो गया भैया, तुम ना करने दोगे मेरे को डाइट? अरे क्या रखा जीवन है भाई, अरे यार कब टिकट कट ले? टिकट तो कब कट ले, लेकिन यार बंदा सोचता है जीवन में हर काम एक बार तो करके देखने चाहिए। हम सोच रहे हैं एक बार करके देख ले, पतले भी होके देख ले कैसे लगते हैं। जरूरी नहीं है, सही हो रहा है, एकदम बढ़िया फिट फोर है, कोई दिक्कत नहीं। फिट फोर तो है, थोड़े पतले से भी देख के लगे ना कि कैसे होते हैं ये जो हमारे निकल रहे हैं बाहर, ये पतले होने के बाद कैसे लगते हैं। होगा होगा, मैं एक बार फिर दोबारा 18-20 साल की एज में दिखना चाहता हूँ। ओ भैया और दौरे करना है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत है कि तेरे से भाई बंदा खतरनाक है, तो खाने पीने के मामले में। जब पहली बार तो मेरे से मिला, तुमने मेरे से क्या बोला था? मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ खाने पीने के मामले में। हाँ मतलब खतरनाक, वैसे खतरनाक नहीं, मतलब पहले था मैं काफी ज्यादा फूडी था, मतलब अब भी है, अभी कुछ अब नहीं हूँ भाई फूडी, अब तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन अभी हाँ, भाई ऑर्डर आ दंदो एक बार, फिर मैं तुम्हें दिखाऊँ कौन फूडी है कौन नहीं है, ठीक है? ऑर्डर आ दंदो बेटा, ग्रीन टी पी के आया हूँ भाई। ग्रीन टी पीने से कोई फूडी कम थोड़ी हो जाते है। ये देख रहे हो भाई कितना लंबा चौड़ा ऑर्डर है, अभी आ जाएगा फिर दिखाते तो मैं जरा कौन फूडी है कौन नहीं है। ये देख लो भाई कौन फूडी है कौन नहीं, क्या मंगवा लिया। अभी तो देखो कोई कह देगा कि ये फूडी नहीं है, है भैया? भाई फूडी तो हम हैं, थे और रहेंगे। तो खाना फिर क्यों बकवास कर रहा है? क्या सोचे है? कर लिए? करेंगे ना है? करेंगे क्यों नहीं भाई, ऐसा हुआ कि हमारे जो फ्रेंच फ्राइज आए हुए थे ना वो आ गए बिल्कुल ठंडे, अब भाई गए उन्हें वापस करने के लिए। अब ला रहा है? बोल रहे हैं आ रहा है यार। यहाँ ना थोड़ा सा ऑर्डर में मेरे को लगता, पता नहीं मुझे क्या कॉर्नर में कमी रह गई क्या है, कॉफ़ी बोली विदाउट आई तो भाई इतना आई क्या लेकर देखी, और ये फ्रेंच फ्राइज जो ये भाई ठंडे ला कर देती है। अब ये देखो अपनी कॉफ़ी तो आ गई, अब तो नहीं डाली भाई, देख कितना टाइम लग जाएगा उसमें। अब आ गया विदाउट राइस करा मैंने भाई, अब थैंक यू भैया, खा के देखो जरा। हाँ गरम है। ये देखो भाई 11:10 पे इन भाई को ऐसे चुल हुई है कि नोएडा लिया है कुछ खाने चल रहे हैं। मेरे को चुल नहीं हुई भाई, सबसे बड़ी चुल इसी के अंदर है, हमारे गोली भाई साहब के 11:10 हो चुके हैं और भाई साहब अभी नोएडा में सेक्टर 16 मैकडी कोल्ड कॉफी पीने की चुल इतनी है भाई के अंदर। भाई लोग तो एक एक पीते हैं भाई, बोलते हैं दो दो एक ही बार में पीते हैं। यार यहाँ की ना सही लगती है, और दिखाई ना पता क्या होता है, एक तो ना ज्यादा बर्फ बर्फ डाल के इतनी ठंडी हो जाती है वो, और ऊपर से फिर वो थोड़ी सी ना वैसी लगती है ना, थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी, वो थोड़ा पानी पानी से लगती है। जो होती है थिक होती है, बाकी जगह पीते हैं ना तो थोड़ा थिकनेस उसके अंदर इतनी होती नहीं। बढ़िया बनाते हैं यार कॉफी। ना ना बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई तुम्हारी चुल का क्या किया जाए ये बताओ तुम। इसका ना हो सका भाई कुछ भी, सॉरी भाई। रात को कॉफी बंद अवॉइड करे, नींद नहीं आती मेरे को तो एक दिन पी। भाई मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक पी लू दो पी लू तीन पी लू नींद मोह जब भी आ जाए भाई, ऐसा मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कॉफी पीने के बाद नींद नहीं आती, हमें तो भैया जब भी आ जाएगी, अगर सोना तो जब भी सो जाएंगे, हमें ना कोई दिक्कत कि कॉफी पीकर नींद ना आए। एक दिन में पी थी ना रात को, लेट पी थी हमने कॉफी यहाँ से। हाँ। रात को भाई 3:30 सोया था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, अलग परेशान। रोड देखो भाई साहब, मौसम वेदर देखो, जो बात है ना रात को ना ये चीज अच्छी लगती है भाई, वेदर देखो भाई साहब, देखो रोड की धार देखो भाई साहब, और वेदर देखो गजब हो जाता है रात के टाइम में ना, और जिसमें की जब बारिश वारिश होती है ना। वैसे ही बताऊं तेरे को मैं, ये रोड अब तो अच्छा लग रहा है, पर जब दिन में बारिश होती रहती है ना अपने उधर की तरफ में, यहाँ तो कह रहा है कोई दिक्कत ना, और पर भैया वो नहीं भाई, वो बारिश में भीगने का भाई अलग ही मजा आता है यार। कीचड़ पीचड़ अच्छी लगती है, कीचड़ वीचड़ अच्छी, ऐसे रोड तो बढ़िया लगता है, ऐसे रोड पे अच्छी लगती है, कीचड़ वीचड़ तो खैर अच्छी लगती है, लोग बिल्कुल ही अंदर जाओगे लोकल में तो कीचड़ वीचड़ मिलेगी। सही बताऊं घिन आवा आती भी,
थोड़ा पैदल पैदल चलो अपना आराम से वॉक करते हुए, चाहे 2 किलोमीटर हो 3 किलोमीटर हो अपना चलते रहो। हाँ बेटे पूरी फिर ले रहो माता की। ओ भाई देखो हमारी गाड़ी पे क्या कमांडर ड्रैगन का टोटा पार्ट है। ये हमारी गैली क्यों हो रहे भाई, पिछली आगे भाई देख लो गाड़ी पे बाहर भाई, अभी जब अभी भगा दे सीख रहे नहीं तो भाई साहब घर में भीतर पड़ेगी। एक कमांडर ड्रैगन की छोटी बहन छोटी बहन आली भैया भाग गई खुद ही भाग गई फिर गई। ला भैया भाई ने हटा दिया हमारे ना। नहीं भाई साहब घर में जाती हूँ है ना। चलो गोली भाई चले फटाफट वरना तुम तो करवाओगे कलेश। लिखड़ो 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 पानी लिया। ये देख लो जी कैसे बर्फ धरे जा रहे हैं। बर्गर लपेट रहे। अरे ऐसे बर्फ है जब तुम तो ना जब ना रह जा का एक बर्फ धरा तुमने और तुम पर देख कर रुका नहीं गया बर्गर है भाई। है भाई तू ले।